कोलवा थाने में वर्धा महिला की हत्या का मामला दर्ज। 75 वर्षीय वर्धा मूली देवी का संदिग्ध हालात में मिला शव। पुलिस के अनुसार पैरों पर चोट, गले में मिले रस्सी के निशान। नीम का पाड़ा निवासी महिला का बीते दिन घर के पास मिला था शव। बेटे ने अज्ञात लोगों के खिलाफ कराया हत्या का मामला दर्ज। बांदीकुई सब इंस्पेक्टर बाबूलाल मीणा कर रहे हैं मामले की तहकीकात। कोलवा पुलिस जुटी अनुसंधान में। मामला सोमवार का है। बांदीकुई सेकंड अफसर बाबूलाल ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि हरफूल सिंह बैरवा निवासी नीमकापाड़ा थाना क्षेत्र कोलवा ने कोलवा थाने में दी प्राथमिकी में बताया कि उनके पास 19 जुलाई को सुबह नीमकापाड़ा से किसी गाँव वाले का फोन गया था। वह जयपुर में सिलाई का कार्य करते थे। उस दौरान गाँव वालों ने बताया कि आपकी माँ मर्त पड़ी हुई है, जिस पर बेटे ने आकर माँ को गांव के मकान के पीछे मरी पड़ी हुई देखा और मूली देवी के गले में रस्सी बंधी हुई थी और पैरों पर चोट के निशान थे और मरी पड़ी हुई देखी। कोलवा पुलिस ने मृतका का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। कोलवा पुलिस अनुसंधान कर जल्द ही करेगी मामले का खुलासा। कोलवा पुलिस दौसा एसपी के निर्देशन में जुटी हुई साक्ष्य जुटाने में। गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जल्द होगा मामले का खुलासा।